अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS605 GDB सॉल्यूशन फॉर 2024। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के किसी भी अपडेट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इज़ बिल्डिंग एन एप्लीकेशन इनिशियली इंटेंटेड फॉर लिनक्स सर्वर्स। मिड वे थ्रू डेवलपमेंट द क्लाइंट रिक्वेस्ट डैट द एप्लीकेशन शुड ऑल्सो रन सीमलेसली ऑन विंडोज सर्वर विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, वो एक एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहती है जो इनिशियली अटेंट हो लिनक्स सर्वर के लिए, और जो मिड वे हो उसके डिवेलपमेंट का, वो ये है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि एप्लीकेशन शुड ऑल्सो रन सीमलेसली ऑन विंडो, कि वो लिनक्स भी चले और विंडो सर्वर भी चले विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस के। व्हाट प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन शुड द टीम प्रायोरिटाइज टू मीट दिस रिक्वायरमेंट जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीज़न। ये कौन सी कंसिडरेशन होगी जो टीम प्रायोरिटाइज करेगी इन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, अपना आंसर जस्टिफाई करें वैलिड रीज़न के साथ। तो इसका सोल्यूशन है, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम शुड प्रायोरिटाइज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन टू इंश्योर द एप्लीकेशन रन सीमलेसली ऑन बोथ लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। फर्स्ट हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स, यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क डैट सपोर्ट बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक जावा और .NET कोर। दिस मिनिमाइज द नीड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कोड बेस। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें और फ्रेमवर्क यूज़ करें जो दोनों को सपोर्ट करें, दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करें, जैसे कि जावा होगी .NET होगी, और इसलिए मिनिमाइज़ करें नीड्स को अगर आपको चेंजेस करनी पड़े कोड बेस में। सेकंड हमारे पास फाइल सिस्टम कंपैटिबिलिटी, एड्रेस डिफरेंसेस इन फाइल पाथ फॉर्मेट्स एंड केस सेंसिटिविटी बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़। इम्प्लीमेंटिंग अ कंसिस्टेंट वे टू हैंडल फाइल पाथ्स विल प्रिवेंट इश्यूज व्हेन द एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन डिफरेंट सर्वर्स। ये सेकंड इसका डिफरेंस था कि जो फाइल पाथ होती है ये फॉर्मेट होंगे और केस सेंसिटिविटी होगी लिनक्स और विंडो की, वो एड्रेस डिफरेंस की होगी, और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए एक कंसिस्टेंट वे की थ्रू के जो फाइल के पाथ हों वो ईजीली हैंडल किए जा सकते और इशू को प्रिवेंट किया जा सके। थर्ड है इन्वायरमेंट कन्फिग्रेशन, इंश्योर डैट कन्फिग्रेशन फाइल्स एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल आर अडाप्टेबल फॉर बोथ प्लेटफॉर्म्स अलाउंग फॉर ईजी एडजस्टमेंट विदाउट अल्टरिंग द कोर एप्लीकेशन लॉजिक। कि आप इंश्योर करें कि जो कन्फिग्रेशन फाइल होगी या फिर इन्वायरमेंट के वेरिएबल होंगे दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए वो अडाप्टेबल हों और ईजी एडजस्टमेंट हो जाए कोर के चेंज किए बगैर। इस तरह फोर है हमारे पास डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, यूज़ प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक्स लाइब्रेरीज एंड टूल टू मैनेज डिपेंडेंसीज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इनकाउंटरिंग कंपैटिबिलिटी इश्यूज व्हेन स्विचिंग बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे थोड़े से एंड भी लिखना है, नीचे हो गया सॉरी। By focusing on these considerations, the team can enhance the application's probability and reduce the effort required to adopt it for the Windows server. तो ये था आपका सोल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।